मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस ठेकुआ की रेसिपी, जिसे कि हम छठ पूजा पे प्रसाद के रूप में बनाते हैं। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। और इसे आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गुड़ और आटे की बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि मेरे जितने भी न्यू रेसिपीज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 125 ग्राम गुड़ लिए हैं। तो सबसे पहले इस गुड़ को हम पानी में भिगोएंगे। तो इसके लिए एक बड़े बर्तन में इसे ले लेंगे और इसमें लगभग 50 ml गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे पानी आप बहुत ही कम ऐड करें, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। इतना ही पानी ऐड करें जितना कि हमें आटा को गूंदने के लिए लगेगा। तो इसे एक बार इस तरीके से चला लेने के बाद इसे हम इसी तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि गुड़ जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाए। और जब ये गुड़ पानी में अच्छे से घुल जाए, तब हम ठेकुए के लिए आटा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिए हैं, जिसे कि हम रोटी या फिर पराठे बनाते हैं। अगर आप ग्राम से देखते हैं तो ये लगभग 250 ग्राम है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। सूखे नारियल से टेस्ट जो है ठेकुए में बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हम सूखे नारियल को इस तरीके से बारीक काट के भी यूज़ करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 1.5 छोटा चम्मच सौंफ। आप चाहे तो सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। ठेकुए को खस्ता करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। आप चाहे तो घी की जगह पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। अगर घी मेल्ट है तो आप इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच घी ऐड करें। इसके बाद हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि घी जो है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। घी को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ठेकुआ जो है वो अच्छे से खस्ता बन पाएगा। तो इसी तरीके से हाथों से हम थोड़ा सा रगड़ रगड़ के पूरे आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे घी को काफ़ी अच्छे से आटे में मिक्स कर लिए हैं। तो चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा हम इस तरीके से बांध कर देखेंगे। अगर ये इजीली इस तरीके से बन जाए तो आप समझ जाए कि हमने इसमें जितना भी घी ऐड किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है ठेकुआ को खस्ता करने के लिए। तो लास्ट में इसमें बस हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। आप चाहे तो इलायची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर से ठेकुए में टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें। गुड़ भी इधर पानी में काफ़ी अच्छे से घुल चुका है, बस इसमें थोड़े से बड़े बड़े पीसेस बचे हुए हैं। तो इन पीसेस को भी हम इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए पानी में घोल लेंगे। ये बहुत ईजिली प्रेस हो जाता है, क्योंकि हमने गुड़ को पानी में भिगो कर रखे थे। तो अब ये बिल्कुल डो बनाने के लिए रेडी है। तो आटा में हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके गुड़ वाला पानी डालेंगे और इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें आटा को बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे करके हम गुड़ वाला पानी इसमें डालेंगे, और बस आटा को हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। ठेकुआ के लिए जो आटा है इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है, बल्कि इसे हम एकदम सख्त रखेंगे। और आटा को हम बहुत ज़्यादा नहीं गूंदेंगे, बस इस तरीके से इसे हम एक जगह पे जोड़ते जाएंगे। अब ये जो आटा है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है ठेकुआ बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना सख्त रखे हैं। चेक करने के लिए आप इस तरीके से अपने हाथ पे थोड़ा सा लेके इसे लड्डू की तरह गोल करके देखें। अगर ये इजीली इस तरीके से बन जाए तो आप समझ जाए कि ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और अगर ये बिखरे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें, और इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा और गूंद लें। मैंने यहाँ पे पूरा गुड़ वाला पानी इसमें यूज़ कर लिए हैं, बाकी ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी यूज़ नहीं किए हैं। अगर आपको और पानी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड करके बिल्कुल इसी तरीके का आटा लगा कर रेडी करें। ठेकुआ के लिए जो आटा है वो बहुत ही कम पानी में लगकर रेडी हो जाता है, इसीलिए हम गुड़ या चीनी को बहुत ही कम पानी में घोल के रेडी करते हैं। इसके बाद इसके हम छोटे छोटे पोर्शन इस तरीके से हाथों में लेंगे और इसे हम बिल्कुल टाइट इस तरीके से बांध कर गोल शेप देंगे। सारे बॉल्स को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम ठेकुआ का शेप देना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस से सारे बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम ठेकुआ का शेप देना स्टार्ट करेंगे।
तो एक बॉल इस तरीके से लेंगे और अपने हाथों से इसे हम दबाएंगे। साइड्स में इसमें क्रैक्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठेकुआ जो है बिल्कुल ऐसे ही बनता है, तभी ठेकुआ जो है वो पूरी तरह से क्रंची और खस्ता बनेगा। अब एक फोक की मदद से इस पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचे पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इनके साँचा नहीं है तो आप फोक की मदद से इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन नहीं भी बना सकते हैं, ऐसे ही प्लेन भी छोड़ सकते हैं। एक डिज़ाइन इसमें हम और देख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसे हम हाथों से दबा देंगे और ठेकुआ जो है वो हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसे हम पतला करेंगे, इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल हम इस तरीके की रखेंगे। और फिर से फोक लेंगे और इसके हम चारों तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये वाला डिज़ाइन भी बनके रेडी हो चुका है। तो कुछ डिज़ाइन हम और देख लेते हैं ताकि आपको जो डिज़ाइन आसान या फिर जो डिज़ाइन भी पसंद आए वो आप बना लें। फिर से हम इसी तरीके से दबा कर इसे ठेकुआ का शेप देंगे। उसके बाद एक हम टूथपिक लेंगे और टूथपिक की मदद से इसे हम इस तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने मनपसंद इसमें कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी बनके रेडी हो चुका है। तो एक डिज़ाइन हम और देख लेते हैं। तो एक बॉल को हम इस तरीके से थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस से ही इसे हम दबा कर ठेकुआ का शेप देंगे। उसके बाद इसे हम ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से शेप देंगे ताकि ये थोड़ा सा लीफ जैसा, हम इस पत्ती के जैसा शेप में आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर से टूथपिक लेंगे और टूथपिक की मदद से इस पर हम पत्ती के जैसा निशान लगाएंगे। ये वाला शेप भी जो है वो ठेकुआ का बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको जो शेप या फिर जो भी डिज़ाइन पसंद हो वो आप बना सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे सारे ठेकुआ बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम घी या फिर ऑयल गर्म करेंगे और ठेकुआ को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें मीडियम गर्म करने हैं। चेक करने के लिए थोड़ा सा डो इसमें डालकर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि साइड साइड में काफ़ी अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, मींस तेल जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और एक एक करके इसमें ठेकुआ को फ्राई होने के लिए डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा ठेकुआ भी फ्राई होने के लिए नहीं डालेंगे, बल्कि इसमें जितना जगह है उतना ही डालेंगे। और सारे ठेकुए डाल देने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे ताकि ठेकुआ जो है वो अंदर तक अच्छे से पक भी जाए। 3 से 4 मिनट बाद जब एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे हम एक स्पून की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से आराम से इसे एक एक करके पलट लेंगे ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि जब ये गर्म होता है ठेकुआ तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इसकी वजह से इसे आप पलटते हुए बहुत ही सावधानी बरतें ताकि ये टूटे नहीं। सारे ठेकुओं को पलट लेने के बाद इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे ताकि ठेकुआ जो है वो अंदर से अच्छे से पक सके। 2 से 3 मिनट में दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो एक बार फिर से इन सभी को हम हल्के हाथों से पलट लेंगे ताकि दूसरे साइड से भी इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो जाए ताकि ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो एक एक करके इसी तरीके से हम सभी ठेकुआ को पलट लेंगे और दूसरे साइड भी थोड़ा सा कलर हम और चेंज होने देंगे। ये सारे ठेकुए ऑलमोस्ट फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। बस हल्का सा हम 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए और बस तुरंत ही इसे हम अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो ठेकुआ है कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है और ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो बस इसी तरीके से आपको भी सारे ठेकुओं को फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। अब हमारा जो ठेकुआ है काफ़ी अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो डार्क गोल्डन हो चुका है। तो बस इसे हम हल्के हाथों से बहुत ही सावधानी से इस तरीके से निकाल कर अलग रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे ठेकुआ कितने अच्छे से फ्राई होकर रेडी हुए हैं। तो बस सेम प्रोसेस से ही हम बचे हुए सारे ठेकुआ को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे ठेकुओं को इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये जो ठेकुआ है आप इसे पूरे महीने भर के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खस्ता बना है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। खास करके ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसे गुड़ और आटे की बनाया है। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।